गुरुद्वारा मेहदियाना साहब। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फलाई साहिब तो इत्थे आके एक रात ले ठहरे सन। इत्थे सिख इतिहास दे मुंह बोलदे बुत हन। गुरुद्वारा श्री चौला साहब। ये गुरुद्वारा लुधियाने दे नेड़े है। इत्थे छेवें गुरु हरगोबिंद साहब जी दा ओ चोला पिया है जिस विच 52 कलियां ने। शहनशाह जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद महाराज नूं दिल्ली आउण दा सद्दा दिता ते दोवें कट्ठे शिकार खेडण गए। शेर ने शहनशाह जहांगीर उत्ते हमला कर दिता पर गुरु महाराज ने अगे वध के अपने तलवार दे भरपूर वार नाल शेर दे दो टोटे कर दिते। पर लाहौर दे दीवान चंडू दी शरारत नाल जहांगीर गुरु महाराज दे खिलाफ हो गया ते उसने गुरु महाराज नू ग्वालियर दे किले विच कैद कर दिता जिथे होर भी 52 राजे कैद सन। मगरों किले दे गवर्नर हरिदास दे समझाउण ते शहनशाह जहांगीर ने उन्हां दी रिहाई दा हुक्म दे दिता। पर गुरु महाराज ने शर्त रखी, मैं कल्ला बार नहीं आवांगा, जो भी मेरा चौला फाड़ ले वो मेरे नाल आएगा। बादशाह जहांगीर ने शर्त मान ली ते गुरु महाराज ने एक चोला सवाया जिस विच 52 कलियां सन। गुरु महाराज ने अपने नाल ग्वालियर दी जेल विच नजरबंद 52 राज्यां नूं रिहाई दवाई सी। इत्थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी दी जुत्ती ते हाथ लिखित ग्रंथ भी पिया है। एक निमुख नाए है मन लाया
गुरुद्वारा कतलगढ़ चमकौर साहब। ये था गुरु गोबिंद सिंह जी के दो वड्डे साहिबजादियां साहिबजादा जीत सिंह ते साहिबजादा जुझार सिंह जी दी महान शहादत दी यादगार है। हो चुके हन मंगने चिर दे थोड़े पुत्तां चारां दे हो चुके हन मंगने चिर दे थोड़े पुत्तां चारां दे सुंदरी सुन लो काली जागर हो पैणगियां साहियां दियां तुम्मां जाने जागी जागर हो सैब देवायां ते सुंदरी सुन लो काली जागर हो 10,000 मुगल फौज ते सिख कुल गिनती दे 35 ते दोवें साहिबजादे बड़ी बहादुरी नाल लड़दे हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी अखां सामने शहीद हुए सी। हो चुके हन मंगणे चिर दे थोड़े पुत्तां चारां दे हो चुके हन मंगणे चिर दे थोड़े पुत्तां चारां दे लंगर दी नवी इमारत बनाउण वेले निहां विच्चों बहुत सारा हथियार ते गोली सिक्का इत्थों ही मिलिया सी। गुरुद्वारा चमकौर गढ़ी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इत्थों दुश्मन उत्ते तीर चलाउंदे सन। भाई संगत सिंह जी दे सीस ते कलगी सजा के आप चमकौर दी गढ़ी ताड़ी मार के छड आए सी। हिंद दे पीरे मेरवाद गुरुद्वारा जंड साहब गढ़ी चो निकल के गुरु महाराज अपने साथियां नालों विछड़ गए। जदों वह खेड़ी पिंड कोल पुजे तां दो गुजरां ने रामू ते अल्फू जिहड़े डंगर चरा रहे सन गुरु महाराज नूं वेख के रौला पा दिता। फड़ो फड़ो हिंदुआं दा पीर जा रहा है। गुरु महाराज ने मोहरां देण दा लालच दे के उन्हां दोवां नूं नेड़े बुला लिया ते इक्को हथ विच उन्हां दोवां दा सफाया कर दिता ते आप घने जंगलां विच चले गए। इत्थे इस जंड हेठ गुरु महाराज ने पो दी ठंडी रात गुजारी। इत्थे धरती उन्हां दा बिस्तर सी ते अपनी बांह सी उन्हां दा सिरहाणा। एक गुरुद्वारा उसे रात दी यादगार है। बाद विच इसका नाम चरण कमल माछीवाड़ा हो गया।
इस तो बाद गुरु साहब नू गनी खां ते नबी खां ने उच्च दा पीर बना के नीले रंग दा चौला पवा के ए मशहूर कर दिता कि उन्हां दे पीर आए हुए हन। गुरुद्वारा श्री परवार विछोड़ा साहब रोपड़ इस सरसा नदी के किनारे ते है। आनंदपुर साहब छड़न मगरों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने साथियों ते परिवार नाल सरसा नदी किनारे ठहरे हुए सी। सरसा नदी विच तुग्यानी आई हुई सी। अजे ओ पार करन दी सोच ही रहे सन कि अचानक अपने इकरार तो मुकर के मुगल फौजा ने उन्हां ते हमला कर दिता। इस घबराहट विच परिवार विछड़ गया ते माता गुजरी जी दोवें छोटे साहबजादियां जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं नाल लैके खेड़ी पिंड वल नूं निकल गए। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब सरहंद एक गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दो छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दी यादगार है। खेड़ी पिंड विच गुरु महाराज दे पुराने रसोईये गंगू दा घर सी। माता गुजरी जी दोवें छोटे साहिबजादियां दे नाल गंगू बामन को ला गए। परे नमक हराम ते लोभी बंदा बेईमान हो गया। उसने सूबा सरहंद नूं खबर कर दित्ती। सूबा सरहंद ने उन्हां दोवां साहिबजादियां नूं
इस्लाम कबूल करन लई कहा, पर साहबजादिया ने उसनु मुंह तोड़ जवाब दिता। उस वेले साहबजादा जोरावर सिंह जी की उम्र 9 साल की सी, ते साहबजादा फतेह सिंह जी की उम्र सिर्फ 7 साल। सूभा सरंद ने उन्हां दोवां नू जिउंदे जागदे कंध विच नवा दिता। गुरुद्वारा शहीदगंज साहब सरहन, यह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब दी परिक्रमा विच है। बंदा बहादुर ने 6000 शहीद हुए सिंघां दा इसे थां ते संस्कार कीता सी। बुरज माता गुजरी जी, माता गुजरी जी इस बुरज विच नजरबंद सन। जदों माता जी नूं साहिबजादियां दे शहीद होण दी खबर मिली तां माता जी ने कंध विच अपना सिर मारिया ते उन्हां दी रूह सचखंड नूं प्रवास कर गई। यह बुरज फतेहगढ़ तों उत्तर वाले पासे है। गुरुद्वारा श्री पट्ठा साहब, एक बारी गुरु गोबिंद सिंह जी रोपड़ तो लंघ रहे सन ते उन्हां आराम करन दी इच्छा प्रकट कीती। ता उत्थों दे मुसलमान वसनीका ने कहा कि पट्ठे ते जाके आराम करो। गुरु साहिब जी दे चरणा दी छोह प्राप्त करके तपता पट्ठा शीतल हो गया ते रोपड़ दे बुजुर्ग गुरु साहिब दे चरणा ते आ टिके ते खिमा मंगी। अज भी गुरु साहिब दे कोड़े दे पैड़ा दे निशान देखे जा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद
सिंह गुरु गोविंद सिंह। इत्थे गुरु साहब दी तलवार ते कटार दे दर्शन कीते जा सकते हैं। हेमकुंट कीता तुसी सिमरन कमाल जी, एक रूप होए सी रूप अकाल जी, एक रूप होए सी रूप अकाल जी। गुरुद्वारा पट्ठा साहब उसे इतिहास दी याद दिलाउंदा है। गुरुद्वारा श्री हरमंदर साहब कीरतपुर, एक गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी की याद विच बनवाया गया है। गुरुद्वारा कोट साहब कीरतपुर, इस पवित्र स्थान ते अठवें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं गुरगद्दी दित्ती गई सी। गुरुद्वारा शीश महल साहब, ये स्थान श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का पवित्र जन्म स्थान है। इस विच मन की शांति लई दूरों दूरों संगतां दर्शना लई आउंदियां हन। तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवरे ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा दियो, तू मेरा पिता, तू है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा। गुरुद्वारा मंजी साहब कीरतपुर साहब, एक गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपनी बेटी बीबी वीरो दे रहंडे बनवाया सी। एथे टोपी, हाथ नाल कड्या होया रुमाल,
ਪੱਖਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮੰਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਦੰਤ ਸਭ ਤੂੰ ਦੀ ਉਪਾਇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਪਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਇ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। गुरुद्वारा पातालपुरी कीरतपुर साहब। सत पातशाहियां दे फुल जल प्रवाह कीते गए सन। आज भी लोग इत्थे दूरों दूर जल प्रवाह करन लई आउंदे हन। गुरुद्वारा बिबाणगढ़ आनंदपुर साहब। धर्म की रक्षा वास्ते श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक में शहीदी दित्ती। गुरु जी का पावन पवित्र सीस लैके गुरु जी का एक श्रद्धालु सिख भाई जैता कीरतपुर साहिब पुज्या। ते सीस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नु दित्ता। महाराज जी ने उसनु रंग रेटे गुरु के बेटे नाल निवाजिया। गुरुद्वारा किला श्री आनंदगढ़ साहिब आनंदपुर। जय जय जग कारण सृष्टि उबारण जय जय जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतपारण जय देगम मम प्रतपारण। शाही फौजा ने एक वड्डे हाथी नु शराब पिला के किले दे वड्डे बंद फाटक नु तोड़ना चाहया, पर गुरु का सच्चा ते दिलेर सिख भाई बचित्तर सिंह एक नागनी बरछा लेके पुजिया ते अपनी पूरी ताकत नाल नेजा हाथी दे मत्थे विच मारिया ते हाथी दुश्मना दियां फौजां नूं लताड़दा होया पिछे भज गया। गुरुद्वारा पूरा साहब आनंदपुर। जागत जोत जपन सुभाष जागत जोत
ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। गुरुद्वारा थड़ा साहब आनंदपुर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मुगल शहनशाह दे सताए ते शरण विच हिंदू आगुआं दी फरियाद इत्थे ही सुनी सी। इत्थे ही हिंदू धर्म दी राखी लई हर किस्म दी कुर्बानी देण दा प्रण कीता। गुरुद्वारा सीस कांज आनंदपुर साहिब, इस स्थान ते गुरु गोबिंद जी ने पिता गुरु तेग बहादुर जी दे सीस दा संस्कार कीता सी। तखत श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर, आनंदपुर साहिब दरियाए सतलुज दे किनारे वसे कीरतपुर तो 5 किलोमीटर की दूरी ते है। इसनु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने वसाया सी। पहाड़ी राज्यां दे नाल पंगानी दी जंग श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़न तो बाद विसाखी वाले दिहाड़े इत्थे ही खालसा पंथ सजाया सी। दरबार साहिब अमृतसर तो बाद ए सिखां दा दूजा वड्डा तीर्थ स्थान है। इत्थे गुरु महाराज जी दे शस्त्र, खंडा, कटार, किरपान, बरछा, नागनी बंदूक, शमशीर, बरछी ते टाल पए हन। रात वेले सारी संगत नू इना शस्त्रां दे दर्शन कराए जांदे हन। इत्थे एक सरोवर भी है। प्यारी सात संगत जीओ, हुणे तुसी इस फिल्म राही सिख गुरुआं
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਪਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਮਾਤਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਵਰਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਵਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ पूजा आसन थापन सोआ जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर तरे जिथे बाबा पैर